जब कोई भी पेज होता है ना एक, उसमें ऊपर जैसे चार बटन आ रहे हैं, तो पहले बटन पे क्लिक करते हैं तो होम पेज आ जाता है, दूसरे पे क्लिक करते हैं गैलरी आ जाती है, तीसरे पे क्लिक करते हैं अबाउट आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं राउटिंग। HTML में हम ये चीज़ कैसे किया करते थे, हम अलग अलग पेजेस बनाते थे, ठीक है, और ऊपर एंकर टैग लगा देते थे चार लाइन्स, ठीक है। अगर HTML के ज़माने में, ये लिंक्स वाले चैप्टर में हमने शायद ये पढ़ा था, इंडेक्स, अगर मैं इसको खोल के देखूँ तो ये इसमें हम लोगों ने किया था आई थिंक ये, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो कॉन्टैक्ट में चला जाता है, वापस होम पे जाते हैं तो वापस होम पे चला जाता है, ठीक है। मतलब इस तरह से हम कर रहे होते थे। तो इसको थोड़ा सा मैं प्रॉपर कर देता हूँ। हर वेबसाइट के टॉप पे ना ऐसे ये आ रहा होता है नेविगेशन बार, इसमें तीन होगा, ये होम भी होगा इट सेल्फ, ठीक है, इंडेक्स इट सेल्फ भी होगा इसमें होम, और यही चीज़ क्या होगी, तीनों में होती है ये, ठीक है। जब ये तीनों पेजेस पे होगी तो फिर वो मसला ही हल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये गो बैक टू होम नहीं होगा, ये इस तरह करके होगा, सही है ये, बिल्कुल HTML पे हम चले गए पुराने वाले पे, सही है। मैं इधर आके अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास क्या आ चुका है, ये टॉप पे एक नेविगेशन बार है, मैं होम पे करता हूँ, होम, कॉन्टैक्ट और अबाउट, ये तीन मेरे पास पेजेस हैं। अब एक को मैंने जूम इन कर दिया इसलिए वो एक जूम इन है, एक मिनट इसको ऐसे जूम इन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इस वाले तरीके में प्रॉब्लम क्या है, कौन बता सकता है मुझे? ज़ाहिर है आप लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस की होंगी इसमें बहुत सारी। नंबर एक प्रॉब्लम तो इसमें ये है कि एक पेज पे जो जावास्क्रिप्ट होती है, जब आप दूसरे पेज पे जाते हैं तो वो वेरिएबल ख़त्म हो चुके होते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो एक पेज से डेटा दूसरे पेज पे ले जाना ज़िंदगी का अजाब है, एक ये था ना प्रॉब्लम आपके पास। अच्छा, इसमें भी ऐसा नहीं होगा कि वेरिएबल बने रहेंगे, इसमें भी ज़ाहिर है वेरिएबल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फिर हमारे पास एक दूसरा तरीका होता है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा ले जाने का, तो वो फिर निस्बतन आसान होता है। तो इसी चीज़ को अब हम आज हम रिएक्ट में करने जा रहे हैं कि रिएक्ट में यही वाला सेम काम कैसे होगा। अच्छा, रिएक्ट में जैसे आप लोग जानते हैं कि हर जो हर चीज़ कंपोनेंट है रिएक्ट के अंदर, ठीक है। जैसे अगर दो पेजेस हैं तो वो दोनों पेज, एक पेज एक कंपोनेंट है, दूसरा पेज एक दूसरा कंपोनेंट है। फिर उस पेज में अगर एक सर्च बार बना हुआ है और उसके नीचे पोस्ट आ रही है बहुत सारी, सर्च करता हूँ मैं, एंटर करता हूँ, पोस्ट नीचे फिल्टर हो जाती है, तो हर एक पोस्ट एक कंपोनेंट है, वो सर्च बार एक कंपोनेंट है। तो रिएक्ट की जो ऐप होती है वो कंपोनेंट से मिल के बनी हुई होती है, ठीक है। ये तो अब तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी यार, ये घर जाएगा जो भी है, बस छोड़ दो, बाहर ही रहेगा ये, बाहर करने क्या किया था ये, हैं, चलो खोलो, बुला लो उसको अंदर, क्या हुआ, स्क्रीन स्टॉप हो गई है। भाई तुम क्या करने गए थे, बस दोबारा लॉक करो उसको, अब कोई भी आएगा वो घर जाएगा, बैठ जाओ। अभी जो मैंने 2-4 मिनट में जो बात बताई वो तो मिस कर दी तुमने ना, अब तुम्हें आगे की बात समझ ही नहीं आएगी, गारंटी दे रहा हूँ। जाओ, अब राउटर पढ़ने लगे थे आज हम। राउटर वैसे तो तुमने किया हुआ है पहले से, हाँ, लेकिन अच्छी बात है चलो किया हुआ है, वरना आज की क्लास में तुम्हें समझ नहीं आता अगर कुछ। वेल, तो ये हम अब रिएक्ट की ऐप में करने जा रहे हैं ये वाली चीज़। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये जो HTML की मैंने पुरानी ऐप खोली थी, और अब हम रिएक्ट में क्या करते हैं, एक नई ऐप बना लेते हैं। अच्छा, नई ऐप बनाने का तरीका क्या है, मैं इस वक्त कौन से फ़ोल्डर में आ चुका हूँ, मैं रिएक्ट के इस वाले फ़ोल्डर में मौजूद हूँ, सही है। और यहाँ पर मैं जब खड़े होकर ऐप बनाऊँगा तो इस जगह पर एक फ़ोल्डर बन के आ जाएगा जो कि मेरी ऐप होगी, राइट। तो मैंने कहा कि npx क्रिएट डैश रिएक्ट, जूम इन कर दो थोड़ा, क्रिएट RECT रिएक्ट डैश ऐप, और उसके बाद मैं कह देता हूँ कि राउटिंग, ठीक है, या राउटर भी कह सकते हैं, सही है, रिएक्ट डैश डॉम डैश राउट, रिएक्ट डॉम राउटर, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट के अंदर जो है ना राउटिंग करवाने के लिए लाइब्रेरीज मौजूद हैं, और वो लाइब्रेरीज़ एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है रिएक्ट राउटर डॉम, या रिएक्ट डॉम राउटर, इस तरह कुछ नाम है उसका, अभी देखते हैं उसको, सही है। अच्छा, तो मैंने ये एक नई ऐप बनाई है ना, तो यहाँ पे देखो एक फ़ोल्डर बन के ऐसे ये शो हो गया, और इसमें ऐप अभी इनिशियलाइज़ हो रही है। जब तक ये ऐप इनिशियलाइज़ हो रही है, हम ज़रा राउटर देख लेते हैं,
रिएक्ट राउटर मैंने जब लिखा गूगल पे जाके, तो सबसे पहले जो लिंक आता है वो रिएक्ट राउटर डॉट कॉम का लिंक आता है, ठीक है, ये रिएक्ट राउटर डॉट कॉम है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ लिंक्स आते हैं ना, इसके अलावा भी कुछ लिंक्स आते हैं। अच्छा, वो अब कहीं नीचे वीचे चले गए शायद, वेल मेरा ख्याल है वो चले नहीं होंगे, तो वो फिर सर्च के इंडेक्स में काफ़ी नीचे चले गए। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है ना रिएक्ट राउटर है, और इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, रिएक्ट राउटर डॉम है। अभी हम जब इंस्टॉल वाले सेक्शन में जाएंगे ना, गेटिंग स्टार्टेड, ये कौन सा सीन किया हुआ है इन्होंने, थोड़ी बत्ती खोल लें, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। अच्छा, तो ये गेटिंग स्टार्टेड शायद थोड़ा इन्होंने यार चेंज वेंज किया है इसको, मेन कुछ थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे इसकी यू आई, अपडेट हो गई है वेबसाइट ना। अच्छा, तो बाय द वे इसका जो पुराना वर्जन था वो V5 था पहले, यहाँ पे ना वेबसाइट पे जो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट थी वो V5 की आती थी, अगर आप मेरी पुरानी वाली देखें तो। अब ये V6 शायद यहाँ पे अब डिफ़ॉल्ट पे V6 है, वेल तो ये अच्छी बात है, वरना V6 के डॉक्यूमेंट देखने के लिए हमें github.com पे जो इनकी रिपॉजिटरी ना वहाँ जाना पड़ता था, लेकिन अब अच्छा है कि यहाँ पे ये डायरेक्ट शो कर रहा है इसको, क्योंकि ये उस वक्त बीटा में था V6 ना पहले। अच्छा, तो गेटिंग स्टार्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है कोने में। अब गेटिंग स्टार्टेड में फीचर ओवरव्यू है, ज़रा एक एक करके अब देखते जाते हैं इसमें क्या चक्कर है सारा। क्लाइंट साइड राउटिंग दिस सही है। अच्छा, गेटिंग स्टार्टेड से भी पहले इन्होंने ये बता दिया, ठीक है भाई। सही है, ये तो ओवरव्यू मतलब हमारे काम का नहीं है अभी, ये इसमें एडवांस बातें कर रही है। अच्छा, उसके बाद है ट्यूटोरियल। अब ट्यूटोरियल में क्या रखा है इन्होंने, अच्छा कुछ बना के रख दी हैं ऐप्स इन्होंने, कि वो कह रहे हैं जाके उसको देखें आप। पता नहीं, वही तो मैं देख रहा हूँ कि वो नहीं ना, ये तो एक नई ऐप बना रहा है, ये तो एक नई ऐप बना दी ना इसने भाई। इसमें ये कुछ और भी चीज़ें ऐड कर रहा है ना, सॉर्ट बाई और मैच सॉर्टर और लोकल फोर्ज, ये तो हमें नहीं चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ इनका गेटिंग स्टार्टेड का डॉक्यूमेंट ही नहीं इन्होंने रखा, वो मिस कर दिया है, गाइड्स में होगा शायद, नहीं यार ऊपर टॉप पे होता है। एग्जांपल्स में चलते हैं ज़रा, ये एग्जांपल है, मेन कॉन्सेप्ट्स, यार ये तो ट्यूटोरियल में होना चाहिए था। एडिंग राउटर, ऐड द राउट, ऐड द राउट, इन्होंने बंड मारा यार, बहुत बड़ा बंड मार दिया इन्होंने। हाँ नहीं यार, इसमें वो ऑप्शन नहीं है, है तो सही ऑप्शन लेकिन वो अभी पुराना वाला नहीं देखना ना मुझे भाई। हम इसके वो उधर ही चलते हैं, जो github.com पे इनका V6 का डॉक्यूमेंट था ना, ये मैंने इनका github खोला है। कैसे खोला है, ये जो छोटी सी बिल्ली बनी हुई है ना मियाँ, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, तो ये मुझे इसके डॉक्यूमेंट्स पे लेकर आ गया, ठीक है। इसके डॉक्यूमेंट्स पे मैं जैसे ही आया तो डॉक्स, ये डॉक्स पे गया, और डॉक्स पे जाने के बाद आई होप कि मुझे यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे भी चेंज हो गया वो। एग्जांपल कॉन्सेप्ट, एग्जांपल मेन ओवरव्यू, नहीं नहीं यहाँ पे भी, ये असल में यहीं से वहाँ जा रहा है डेटा, तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही चीज़ है जो वहाँ पर है। कैसे मतलब, असल में वो तो इंस्टॉलेशन तो मेरे को वैसे ही याद है कमांड रिएक्ट राउटर डैश डॉम में, वो मेन में गया, ये रहा मेन में गया, और अच्छा ये मेन वाला नहीं ना, V5 नहीं करना ना यार, IM new करके देखते हैं, शायद मुझे कहीं और ढंग की जगह ले जाए। IM new किया मुझे तो इसने मुझे ट्यूटोरियल में लाके खड़ा कर दिया, तो अब देखते हैं इन्होंने किस हिसाब से बनाया है। मे बी इन्होंने कुछ डिज़ाइन किया हो जो अभी तक हम समझ नहीं पा रहे। वेलकम टू द ट्यूटोरियल, वी आर बिल्डिंग अ स्मॉल रिच फीचर, ये पूरी ऐप बनवा रहे हैं इस एग्जांपल के अंदर ही, ठीक है। अच्छा, लेकिन इन्होंने ना जो ऐप बनाई है वो किससे बनाई है, वाइट से बनाई है, ये देख रहे हो,
एक वाइट करके एक चीज़ होती है, वो हमने नहीं पढ़ी, उससे बनवा रहे हैं। वेल इन्होंने कुछ लोकल फोर्ज वगैरह भी चीज़ें की हैं, हम वो नहीं इंस्टॉल करते, हम सिर्फ npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, दैट्स इट, हम इतना सिर्फ इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो इसी गाइड को ही फॉलो करते हैं अभी, हम और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास आई थिंक। अच्छा मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, 13.reactrouter.dom, सही है। और इसमें मैंने आके बोला कि ये इंस्टॉल कर दो भाई, रिएक्ट राउटर डॉम को इसमें इंस्टॉल कर दो। ओ, ये मैंने गलत जगह इंस्टॉल कर दिया। मैं ये मैंने रूट पे इंस्टॉल कर दिया था, ठीक है। अच्छा इसका नाम भी मैंने गलत रखा है, थर्टीन के अंदर गया मैं, और 13 के अंदर जाके मैंने इंस्टॉल करना है, राइट। मैंने रूट पे इंस्टॉल कर दिया था गलती से, उसको मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल होने के बाद मैं इसको कर देता हूँ npm start, ताकि ये चल जाए, मेरे पास स्क्रीन पे नज़र आ जाए, जो भी मैं कुछ करता जाऊँ ना वो मुझे स्क्रीन पे नज़र आता जाए। अच्छा ये करने के बाद इसने बोला कि यार आप क्या करो, अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं एडिंग अ राउटर, कि राउटर को ऐड कैसे किया गया। सही है, ये इसने रन कर दिया। अच्छा तो राउटर ऐड करने से पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे एक दो छोटे छोटे काम करने होंगे। नंबर एक काम क्या करना होगा कि मेरा जो app.js है इसके अंदर ज़ाहिर है पहले से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये चीज़ें मुझे हटानी होंगी यहाँ पे से ना। और ये चीज़ें हटा के मैं इसमें क्या लिखूँगा, मैं इसमें लिखूँगा कि यार ये जो है ना हमारा मेन पेज है, ठीक है, ये हमारा जो मेन पेज है। ये बंद हो गया, दोबारा खोल देता हूँ, हो गया। अच्छा इसको app.js को JSX बना देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे सजेशन वगैरह देता रहे यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास ये ऐप खुली हुई है अभी। अच्छा तो ये मेरा कौन सा, ये मेरी कौन सी फाइल है, app.js वाली फाइल है। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो मैंने हटा दिया यहाँ से, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई दिस इज app.js पेज, ठीक है। अच्छा ये वाला जो पेज होगा ना हमारा, असल में ये स्क्रीन पे नज़र नहीं आता, ठीक है। app.js वाला जो पेज है ना, हम इसकी ऐसी सेटिंग करते हैं कि app.js वाला जो पेज है वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आए। अच्छा अब जो मुझे पेजेस बनाने हैं ना, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक अलग से फ़ोल्डर बनाऊँगा, ये src में जाके ना एक अलग से मैं फ़ोल्डर बनाऊँगा, और इस फोल्डर का मैं नाम क्या रखूँगा, इसका मैं नाम रखूँगा कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स के नाम से मैंने यहाँ पे फोल्डर रखा है। अच्छा अब कंपोनेंट्स के साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फ़ाइल बना दूँगा, मैंने कहा भाई home.jsx, सही है। अच्छा home.jsx के साथ मैं क्या बना दूँगा, एक और about.jsx, और क्या बनता है, तीन चार बना लेते हैं कोई। उसमें कौन सा रखा था हमने, टॉप वाले gallery.jsx। अब ये तीन मेरे पास फाइलें बन गई हैं। अच्छा इसकी ऑर्गेनाइजेशन ना आप पे डिपेंड करती है कि आप इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अभी मेरे पास सिर्फ तीन फाइल थी सिंपल, तो मैंने तीनों फाइलों को लाइन से रख दिया। लेकिन जब आपके पास जैसे about.jsx भी है, फिर अबाउट का css भी है, फिर अबाउट की कुछ और भी चीज़ें हैं, उसमें इमेजेस हैं, तो आप क्या करते हैं वो कंपोनेंट के अंदर फोल्डर और फिर उसके अंदर फाइल भी रख सकते हैं। ये डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ये फोल्डर कंपोनेंट्स का आपका है, आप इसमें जैसे करके भी ऑर्गेनाइज़ कर दें, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब इसमें करना क्या है मुझे, सबसे पहले मैं होम पे जाता हूँ। अब होम पे जाके मुझे क्या बनाना है, कंपोनेंट बनाना है। एक अदद कंपोनेंट कैसे बनता है, कंपोनेंट एक फंक्शन होता है सिंपल, और कंपोनेंट से कैसे पता चलता है कि ये कंपोनेंट है, कैपिटल नाम होता है, और रिटर्न जो वो करता है JSX, सही है। मैंने कहा div और दिस इज होम पेज, सही है, ये कंपोनेंट बना दिया मैंने। ये होम का जो पेज था वो क्या बन गया, कंपोनेंट बन गया। अब यही चीज़ मैं गैलरी में भी करूँगा, गैलरी हो गया, उसके बाद यही चीज़ मैं अबाउट में भी करूँगा।
सही है। अब ये तीन मेरे पास कंपोनेंट बन गए जो कि मेरे तीन असल में पेजेस के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा, अब सीन ये है कि भाई ये तीन पेजेस तो मैंने बना दिए अलग अलग, अब मुझे ऐप डॉट जे एस पे ना वो तीनों पेजेस यहाँ पे रेंडर करवाने हैं, बारी बारी रेंडर करवाने हैं। जब एक बटन पे क्लिक हो तो एक रेंडर हो जाए, दूसरे पे क्लिक हो तो दूसरा रेंडर हो जाए, तीसरे पे क्लिक हो तो तीसरा रेंडर हो जाए। अब मैं ये काम कैसे करूँगा रेंडर करवाने वाला? पहली बात तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा इम्पोर्ट तीनों को, सही है। लेकिन जैसे ही मैं इम्पोर्ट करूँगा मेरे पास आएगा एक अदद एरर, वो एरर ये आएगा, मैंने कहा डॉट स्लैश कंपोनेंट्स और स्लैश होम, ठीक है, और मैंने कहा ये होगा मेरा होम, सही है। अब यहाँ पे मुझे एरर ये देगा, अब इस होम को जब मैं रेंडर करवाऊँगा ना यहाँ पर, मैंने कहा अच्छा दिस इसकी जगह ना होम को रेंडर करवा दो, सही है। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे करके भी कर सकते हैं, दोनों तरीका सही है, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग टैग अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं, तो ये होम में जो भी होगा वो यहाँ रेंडर हो जाएगा। ये अब मुझे कह रहा है कि यार होम का पेज ना आपने इंपोर्ट तो कर लिया लेकिन वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हुआ वो, तो वहाँ से एक्सपोर्ट कैसे होता है? अब जैसे ये ऐप डॉट जे एस है ना, ये ऐप एक्सपोर्ट हुई भी है तो इंडेक्स में इंपोर्ट हुई भी है, तो जैसे ये एक्सपोर्ट है ना ऐसे ही मैं उसको एक्सपोर्ट करवा दूँगा। होम पे गया मैं और होम पे जाने के बाद मैंने कहा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और इस फंक्शन का नाम ये मैंने रख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी कर दूँगा, इस पे भी एक्सपोर्ट, ओहो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और अरे भाई क्या हो रहा है, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट गैलरी, सही है। ये तीनों यहाँ पे से क्या हो गया, एक्सपोर्ट कर दिए। तो अब मुझे क्या देगा, ये कोई एरर नहीं देगा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, दिस इज़ होम पेज, सही है, दिस इज़ होम पेज लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। अब जो मेरे पास, अब यहाँ पे ना मेरे पास सिर्फ एक इम्पोर्ट हुआ हुआ था, ये हम कौन से पे वापस आ चुके हैं, ये तीन, एक दो तीन, ये तीन पेजेस मैंने बना दिए हैं। अब मैं ऐप डॉट जे एस के पेज पर हूँ, अब मुझे होम यहाँ पे रेंडर करवाना है, सही है। साथ में मुझे क्या करवाना है, अबाउट और गैलरी को भी रेंडर करवाना है, सही है। ये अबाउट गैलरी, सही है, अबाउट। अच्छा, अब कैसे होगा ये रेंडर, तीन कंपोनेंट्स हैं और तीनों को मुझे क्या करना है, बारी बारी यहाँ पे रेंडर करवाना है बटन के क्लिक के ऊपर। तो मुझे आइडियली मेरे पास क्या हो सकता है, आइडियली मेरे पास ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे बटन बना दूँ तीन अदद, यही करूँगा ना मैं। एक को मैंने कह दिया होम है, सही है, और दूसरे को मैंने कह दिया अबाउट, और तीसरे को मैंने कह दिया गैलरी, सही है, ये हो गया। अब जब होम पे क्लिक हो तो मुझे होम रेंडर करवाना है और उसके बाद अबाउट भी है, फिर अबाउट भी है और गैलरी भी है। अच्छा, इसको अभी बाय द वे हम सेल्फ क्लोजिंग वाला करवाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है, मतलब ज़्यादा बेहतर नहीं है, उस तरह से लिखा जाता है ज़्यादातर, तो इसलिए हम भी उसी तरह लिखते हैं। सही है, ऐसे करके हम इसको रेंडर करवा रहे हैं क्योंकि अब बीच में कुछ वैल्यू देनी नहीं होती, तो सेल्फ क्लोजिंग करके हम इसको लिख रहे हैं। दोनों तरीका सही है भाई, दबे गलत नहीं है, दोनों दोनों में से कोई भी लिखें सही है। हाँ, लास्ट वाले पे गैलरी आएगा, ठीक है, होम अबाउट गैलरी। अच्छा, अभी तो ये तीनों रेंडर हो जाएंगे साथ साथ। अभी देखो क्या है, ये तीन बटन आ रहे हैं लेकिन रेंडर भी तीनों हो रहे हैं, लेकिन मुझे तीनों नहीं रेंडर करवाना है, मुझे एक वक्त में एक करवाना है। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं ये कर सकता हूं कि यहाँ पे मैं एक स्टेट बना लूं, मैंने कहा कॉन्स्ट क्या कहते हैं, कोई भी नाम रख सकता हूं इसका, मैं पेज रख सकता हूं, ठीक है, पेज कॉमा सेट पेज राइट इक्वल्स टू यूज स्टेट, ठीक है, और शुरू में मैं क्या रखवा दूँ उसमें, बाय डिफ़ॉल्ट होम रखवा दूँ, ठीक है, होम रखवा दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, अब मैं यहाँ पे आके इसको टर्नरी ऑपरेटर एक लगा दूँ, कर सकता हूँ ना मैं ये,
मैंने बोला कि भाई अगर जो है ना आपका जो क्या नाम रखा था मैंने, पेज पेज अगर इक्वल्स इक्वल्स है अगर होम के, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होम डिस्प्ले करवा दो, अदरवाइज नल। सही है कि अगर पेज में होम है ना इस वक्त, जो कि बाय डिफॉल्ट होम मैंने रखवाया हुआ है, तो ये होम का पेज रेंडर करवा दो, अदरवाइज नल। अच्छा फिर अगले में बाकी दोनों में भी यही कर दूंगा। मैंने कहा भाई अबाउट रेंडर जब होगा, जब यहाँ पे इसमें अबाउट होगा ठीक है, और गैलरी रेंडर कब होगा, जब इसमें गैलरी होगा। सही है, जब इसमें गैलरी होगा। ये तीनों को मैंने कंडीशनल कर दिया यहाँ पे। अच्छा मसला हल हो गया मेरा। अब मैं होम के बटन पे आके बोलूँगा कि भाई ऑन क्लिक जब हो ना आपका, तो ऑन क्लिक पे आपने क्या करना है, आपने करना है सेट पेज। सही है, ओके एक मिनट, इसको फंक्शन देना होता है ना इसके अंदर। मैंने कहा कि भाई सेट पेज आपने करना है, और सेट पेज पे आपने क्या लिख देना है, होम लिख देना है। सही है, इसी तरीके से मैं ये ऑन क्लिक दूसरी जगह पे भी ले आऊँगा, और मैं बोलूँगा भाई ये दूसरे वाले पे क्या करोगे आप, अबाउट, और तीसरे पे गैलरी। सही है, ये मैंने बिल्कुल सेट कर दिया मसला। अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, जब तो होम तो पहले से ही है, मतलब होम पेज ही दिख रहा है। अबाउट पे क्लिक करूँगा तो देखो अबाउट का पेज आ गया, गैलरी पे क्लिक करूँगा तो गैलरी का पेज आ गया, वापस होम पे करूँगा तो होम पे चला गया। ये तो मेरी राउटिंग तो हो गई, राउटिंग में अभी कुछ रह गया क्या? मतलब आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप डेली इंटरनेट के यूज़र हैं, सब लोग जो यहाँ बैठे हैं डेली इंटरनेट यूज़ करते हो ना सब लोग, तो आप मुझे ये सोच के बताओ कि इसमें कुछ रह गया क्या, राउटिंग में क्या रह गया? URL चेंज नहीं हो रहा। अच्छा क्या मैं URL भी चेंज करवा सकता हूँ? इसका जवाब है हाँ बिल्कुल करवा सकता हूँ। तो मुझे साथ साथ अब क्या करना पड़ेगा, सेट पेज होम करवाता हूँ ना, साथ साथ URL भी सेट करवाना होगा। फिर अगर नेस्टेड हुआ ये राउट, तो ये काम जो मैंने हाथ से किया ना मैनुअल, इसके लिए किसी ने लाइब्रेरी पहले से लिख के रखी हुई है, तो ये मैं अब हाथ से नहीं करूँगा ठीक है। तो जो मैंने हाथ से कोड लिखा है ना, उसको मैं क्या कर देता हूँ, उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और अब यही काम हम लाइब्रेरी से करते हैं। देखो मुझे एक स्टेट बनानी पड़ी, इसके लिए बटन पे ऑन क्लिक लगाना पड़ा ठीक है, इस पे सब पे टर्नरी ऑपरेटर लगाना पड़ा, ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ी। अब इसको ज़रा ना हम कॉमेंट कर देते हैं इतने को ठीक है। अब यही काम मैंने किस पे करना है, उसके ज़रिए करना है, हमारे जो राउटर के ज़रिए ठीक है। ये स्टेट जो बना हुआ था इसको भी मैंने रोक दिया, अब स्टेट की भी मुझे ज़रूरत नहीं है ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट मैंने जो मंगवाए हुए थे वो तो ज़ाहिर है मंगवाने होंगे मुझे। अब यही काम सेम काम मुझे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ये लोग कैसे बता रहे हैं करना, इन्होंने बोला कि आप क्या करोगे, आप इम्पोर्ट करोगे ये चीज़ें कहाँ पे से, रिएक्ट राउटर डॉम में से ठीक है। आ जाते हैं ज़रा इम्पोर्ट कर लेते हैं ठीक है। ऊपर इम्पोर्ट कर लिया मैंने इन तीनों को, और मेरे पेजेस को मैंने बाद में इम्पोर्ट कर लिया। सही है, लाइब्रेरीज को मैंने टॉप पे इम्पोर्ट कर लिया, पेजेस को मैंने बाद में कर लिया, जस्ट टू डिस्टिंग्विश के अच्छा यार हम दो अलग अलग चीज़ें हैं ये। कोई कुछ पूछ रहा है? तो ये तीनों चीज़ें इम्पोर्ट कर ली मैंने अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन। ये मैं डॉक्यूमेंट्स में कहाँ पे मौजूद हूँ, ट्यूटोरियल वाले पार्ट में मौजूद हूँ। अच्छा उसके बाद इन्होंने बोला कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो मैंने लास्ट किया था उस वाले से थोड़ा डिफरेंट है। वेल है तो सही, डिफरेंट तो क्या ही है। तो इसने बोला कि अब आप क्या बनाओगे, अब आप राउट तैयार करोगे। ये मेरा राउट तैयार हो गया, राउटर तैयार हुआ एक्चुअली ठीक है। अच्छा राउटर ना इनके पास तीन चार तरह के हैं ना, एक ब्राउज़र राउटर है, और भी एक दो हैं वो अभी हम देख लेंगे कि कौन सा है। सबसे ज़्यादा ब्राउज़र राउटर ही यूज़ होता है। अच्छा ब्राउज़र राउटर का मतलब ये है कि वो स्लैश करके प्रॉपर पूरा लिंक आता है, एक होता है वो हैश करके लिंक आता है ठीक है, वो स्लैश वाला नहीं होता, वो सिंगल पेज, प्योरली सिंगल पेज होता है। अच्छा तो मैंने ये राउट तैयार कर लिया, इसमें मैंने क्या बताया कि जब ऊपर ना URL में जब स्लैश का पाथ हो जब लगा हुआ, तो कौन सी चीज़ डिस्प्ले करवा दूँ, हेलो। मुझे क्या करवानी है उस पर, होम पेज।
तो मैं ये हटा के मैं बोलूँगा इसको कि भाई होम को डिस्प्ले करवा दो, सही है। अच्छा, ये पहला मेरा मसला हल हो गया। अब उसके बाद इसने क्या कहा है कि इस राउटर को कहाँ भेजो आप? राउटर को इसने बोला है कि आप क्या करो, अपनी जो ऐप है ना आपकी, उसमें ऐसे राउटर प्रोवाइडर लगा के ना बस वो आप ऐड कर दो, सर बाकी आपका मसला हल है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, ये पूरा जो डिब है ना इसके अंदर सिर्फ क्या करना है, ये प्रोवाइडर लगा के बस ऐसे इसको हटा देना, ठीक है। अब ये राउटिंग खुद ही देख रहा होगा कि क्या करना है, और यहाँ पे मैंने वो कॉन्फ़िगर कर देना है इसको कि वो कैसे कैसे क्या चल रही होगी चीज़, देखते हैं। अच्छा, ये तो HTML खुला हुआ ना, इसको बंद कर दो। अच्छा, ये हमारा ना दिस इज़ होम पेज खुल के सामने आ गई, ठीक है। ये कैसे खुल के सामने आया, स्लैश के पाथ की वजह से। एक और कॉन्फ़िगरेशन लगा देते हैं हम यहाँ पे। अब मैंने क्या कहा कि स्लैश अबाउट जब हो तो क्या कर दो, अबाउट डिस्प्ले करवा दो, सही है। तो देखते हैं, अब यहाँ पे मैं हाथ से फ़िलहाल जो स्लैश अबाउट लिख के एंटर करता हूँ तो अबाउट का पेज आ गया, सही है, आसान था अभी तक। एक तीसरा क्या था हमारा, गैलरी। मैंने कहा कि भाई गैलरी का जब बोला जाए आपको तो आप क्या करो, गैलरी ऐसे करके यहाँ पे सबमिट करो। अब इस पर गैलरी लिखता हूँ मैं, तो ये गैलरी का पेज आ गया। अब मुझे बनाना है बटन। अब मुझे क्या बनाना है, बटन बनाने के, वो भाई क्लिक करूँ तो उस पर जाए ना ऐसे करके। अच्छा, स्टिल एक चीज़ डिफरेंट है इसके अंदर, जो मैंने लास्ट टाइम किया था ना वो इस तरह नहीं था, वो ऐसे अंदर ही होता था, उसमें स्विच वुइच लगा के कर रहे होते थे। अभी वो हम देखते हैं अंदर कहीं, शायद वो शायद बेहतर तरीका है, ये पता नहीं। मैंने ये वाला तरीका मैंने पहले कभी भी यूज़ नहीं किया, ये इनका देख के अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने तो वही वाला किया था, स्विच वाला, द रूट राउट। यार पता नहीं, ये तो मैं अभी देखा है मैंने, मे बी ये अपडेटेड हो, मे बी, आई एम नॉट श्योर। हाँ हाँ हाँ, अवेलेबल वर्जन पीछे के अवेलेबल होते हैं, वो नहीं कहीं जाते हैं। अच्छा, यहाँ मेन से चेंज करूँगा मैं तो 6.4.3। नहीं, ये तो वही बता रहा है, अपना ही बता रहा है। अच्छा, V4.5x। हाँ, ये खुला है पुराना वाला, अब खुला है ये पुराना वाला। तो इसमें ऐसे करके हुआ करता था, लिंक और राउंड और ऐसे होता था, स्विच लिंक राउंड। नहीं यार, वही सही है, जो नया वाला है वो नया वाले पे जाते हैं अभी, पुराना तो पुराना हो गया ना फिर, पुराना भाई पुराना होता है, नया नया होता है। तो वेल नहीं ना, मैं तो भाई नया वाला पढ़ना चाहिए हमेशा, IM on V5 क्यों, V6 जब नया है तो वो पढ़ेंगे, मैं भी सीख लूँगा साथ में, तुम भी सीख लोगे साथ में। क्यों माइग्रेट कर पाएगा, आपने पहले V5 पढ़ा हुआ है, यहाँ पे किसी ने नहीं पढ़ा हुआ। कितने ऐसे लोग हैं जो V5 पहले से आता है जिनको, एक दो ही हैं बस, डायरेक्ट नए सिरे से सीखो अभी, डायरेक्ट V6 पढ़ो, V5 पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सही हो गया। अच्छा, तो अब ये क्या, अच्छा इसने तो यहाँ पे ना हेलो वर्ल्ड करवा दिया था ना प्रिंट, कि भाई जब स्लैश का बात हो तो हेलो वर्ल्ड हो जाए। अब हेलो वर्ल्ड के बाद ना, अब देखो ये क्या कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि भाई आप ना एक बनाओगे रूट का, एक राउट बनाओगे आप कि रूट पे क्या चलेगा आपके, ठीक है। तो ये ना अभी रूट का एक राउट बना रहे हैं। अब रूट में क्या बनाया है इन्होंने, एक फॉर्म बनाया, उसमें फॉर्म के अंदर कोई डिव वगैरह बनाया हुआ है, ठीक है, उसके नीचे एक नेविगेशन बार बनाया हुआ है। अब नेविगेशन बार इनका कैसे चल रहा है, वो इस तरह से चल रहा है, ठीक है, ये नेविगेशन बार है इनका। तो अब हमारे पास यानी हमें क्या करना है, सिंपली जो एंकर टैग होता है ना, जो बिल्कुल सिंपल वाला एंकर टैग होता है, वो हम लगाएंगे तो ये हमारा नेविगेशन उसी से चलेगा। तो हम इसका ये उठा लेते हैं, हम ये पूरा नेविगेशन बार क्या करते हैं, उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है।
ये सेकंड पेज इसने कहाँ पर बनाया है वो ज़रा देखना चाह रहा हूँ। कॉन्टैक्ट का भी इसने यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज बना दिया ना, उसके बाद फेवरेट का पेज बना दिया, सही है। अब उसको अटैच कैसे किया है, कॉन्टैक्ट और फेवरेट को यहाँ लेकर आए और कॉन्टैक्ट और फेवरेट यहाँ लगा दिया। तो अब हमारे पास क्या होता है एक्चुअली कि जो राउटर प्रोवाइडर जो है ना, अब इसकी जगह पे यानी ये समझ जाए एक तरह से स्विच करता रहेगा उन कंपोनेंट्स को। तो हम इससे पहले यानी इतना जो पार्ट होगा हमारा वो स्विच हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू द कि वो URL ऊपर क्या है। इससे पहले मैं जो चीज़ लगाऊंगा ना यहाँ पे वो क्या होगी, वो हर वक्त दिख रही होगी मेरी स्क्रीन के ऊपर। इससे पहले मैं जो चीज़ लगाऊंगा वो स्क्रीन पे हर वक्त दिख रही होगी, क्योंकि इसमें स्विच वाला पार्ट ना ये इतना है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पेज में पहले जो स्विच वाला पार्ट था वो ये था और ये पार्ट स्टिल दिख रहा होता था। तो अब हमारे केस में ये जो स्विच वाला पार्ट है ना वो ये एक लाइन में कन्वर्ट हो चुका है जो मैंने 3 लाइनों में लिखा था, और मेरे पास जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना ये अब क्या होगा, ये स्टिल होगा, ठीक है। अब ये नैव का मैंने टैग इसलिए लगाया कि नैव का टैग देख के सर्च इंजन समझ जाता है कि ये नेविगेशन बार है। फिर उसमें UL और LI लगाने से भी यही होता है कि उसमें उसको पता चलता है कि इस नेविगेशन बार में जो लिस्ट है उसमें कितने आइटम हैं वो गिन लेता है, ठीक है। तो ये सर्च इंजन की वजह से, वरना अगर मैं सिर्फ डिव लगाता तो भी ये काम करता, ठीक है। अब मैं इसमें बोलता हूँ कि यार कैसे किया होता उन्होंने, हाँ मैंने कहा भाई होम पे लेके जाएगा ये आपको, मैंने कहा होम का बटन है सबसे पहला, ये होम पे लेके जाएगा, और दूसरा बटन कौन सा है आपका अबाउट का है, और ये आपको कहाँ लेके जाएगा, सही है। जो कैपिटल से लिखा है मैंने ये स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, और HREF तो आपको पता ही है HREF क्या चीज़ होती है, कि HREF होता है वो राउट जिस पे आपको राउटिंग इसकी करवानी है। और तीसरा मैं एक लगा लेता हूँ इसमें गैलरी, और अब इसको हम चला कर देखते हैं अब कि इसकी क्या रिपोर्ट है, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, अबाउट गैलरी होम, अच्छा वो स्लैश होम पे नहीं मैंने लगाया, ठीक है। असल में ये कहाँ लेके जाएगा, ये स्लैश पे लेके जाएगा, सही है, क्योंकि मैंने स्लैश होम नहीं रखा हुआ उसके ऊपर। यहाँ पे ना मैंने कहा है कि सिर्फ स्लैश जो है उस पर होम आएगा, मैंने स्लैश यहाँ पे होम नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो मैं बटन पे भी क्या करूँगा, मैं बोलूँगा अगर ये होम का बटन प्रेस किया जाए तो स्लैश पे लेकर जाए वो, राइट। तो इस वजह से ये एरर थ्रो कर रहा था मुझे, ठीक है, अब सही हो गया ये, ठीक है। अब अगर आप देखें होम पे क्लिक करता हूँ मैं तो ये स्लैश गायब हो जाता है आगे से, अबाउट पे करता हूँ तो ये स्लैश वापस आ जाता है, ठीक है। गैलरी, अबाउट, होम, ये तीनों चीज़ें आपकी आ गई। यहाँ तक समझ आया सबको, अब ये हमारी राउटिंग जो थी ना ये काफ़ी हमारी सही हो गई है। हाँ बोलो, पैराग्राफ नेस्टेड राउट है ना, वो नेस्टेड राउट अभी आगे बता रहा है कि नेस्टेड राउट कैसे हो गई। देखो आगे टॉपिक वही है नेस्टेड राउटिंग, लेकिन अभी फिलहाल हम नेस्टेड राउटिंग में इतना नहीं जाते, ठीक है। असल में क्या होता है कि आप अपने पेज का कोई भी हिस्सा ना स्विचेबल बना सकते हैं। जैसे इन्होंने नेस्टेड राउटिंग में क्या किया हुआ है कि इनका एक ये पार्ट है ग्रे वाला, ये नहीं स्विच हो रहा, ठीक है। ये पूरा पेज देखो, ये पेज कौन सा है, ये पेज कॉन्टैक्ट का है, कॉन्टैक्ट का पेज जो है वो 3 पेजेस में से एक था, जो सारे 3 पेजेस में से एक था ये। अब उसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, कॉन्टैक्ट में योर नेम है ना, अब पहले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर आएगी एक, दूसरे पे क्लिक करेंगे तो दूसरी पिक्चर आएगी। तो ये काइंड ऑफ एक राउट के अंदर एक दूसरा राउट है, तो वो होगा उसी तरीके से, फ़र्क नहीं है कोई, वो एक के अंदर एक लगाते हैं जो, अब जैसे कंपोनेंट्स लगते हैं एक के अंदर एक, वैसे लग रहा होगा। तो यहाँ पे इन्होंने करके भी बताया हुआ है, ऐसे चिल्ड्रन करके ना आप लगा सकते हैं, जैसे इसने स्लैश के पाथ पे ऐसे चिल्ड्रन करके ये दे दिया है यहाँ पर कि भाई इसके ये चिल्ड्रंस होंगे। तो वो आप करके देख लीजिएगा, मेरे ख्याल है फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। क्या मतलब
हाँ वो दे सकते हो वो। हाँ बिल्कुल वही हम देते थे पहले, एंकर टैग से देते थे, अभी भी हम एंकर टैग से दे रहे हैं। अच्छा एक इसने और यहाँ पे बात की है, लिंक टू भी लगा सकते हैं हम ना, लिंक टू भी हम इसमें लगा सकते हैं, जो हम एंकर टैग लगा रहे हैं ना उसमें हम लिंक टू भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसे लिंक करके टू होगा, तो ये भी आपको सेम काम करके देगा। इसके बारे में ये क्या कह रहे हैं ज़रा पढ़ लेते हैं। हाँ लिंक इसमें भी अवेलेबल है वो, इसमें सिर्फ वो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी अलग तरीके से हो रही है। यू मे और मे नॉट हैव नोटिस्ड बट व्हेन वी क्लिक दिस लिंक इन द साइड बार द ब्राउजर इज डूइंग फुल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट टू द नेक्स्ट यूआरएल इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिएक्ट राउटर। कह रहे हैं कि जब हम एंकर टैग से करते हैं ना ये काम, एंकर टैग से जब हम करते हैं और बटन पे जब हम क्लिक करते हैं अबाउट, तो यहाँ पे ना पेज रिफ्रेश होता है एक्चुअली, ये देख रहे हो पेज रिफ्रेश होता है ये, तो ये ना सिंगल पेज ऐप नहीं बनी। एंकर टैग जब हम इस्तेमाल करते हैं ना तो सिंगल पेज नहीं रहती है अभी, तो कह रहा है कि इंस्टेड आपने क्या करना है, आपने अगर चाहते हैं ना आपके पेज रिफ्रेश बिल्कुल भी ना हो तो आप ये लगाएंगे लिंक। सही है, लिंक आप लगा देंगे। अच्छा लिंक को लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसा पहले था, लेकिन एंकर टैग हट के ना लिंक लग जाएगा। ये इन्होंने कहाँ से, हाँ बोलो। वो मेरे कंप्यूटर में ही है ना इसलिए कर रहा है, जब क्लाउड से होगा फिर वो मसला करेगा, वो अभी मेरे कंप्यूटर में ही है ना वो। अच्छा लिंक टू करके इसने कैसे पास किया भाई, कॉन्टेक्स्ट स्लैश बोलना, ठीक है। तो अब मैंने इसमें ना लिंक वो लगा दिया, लिंक टू। अच्छा ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं है क्योंकि बीच में फिर लिखेंगे कैसे। सही है, जो पहले हम एंकर टैग ऐसे लिखते थे अब हम इसको इस तरह करके लिखेंगे, राइट। ठीक है, ये मैं सारे एंकर टैग को हटा के उसकी जगह पे लिंक वाला तरीका ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम आके अगर इसको चेक कर लेते हैं ज़रा, तो ये क्या हुआ, कोई एरर आया क्या इसमें, कुछ एरर आया, एरर क्या आया भाई, यूज एच आर एफ मे बी यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राउटर कंपोनेंट। अच्छा वो कह रहा है कि ये आप ना इसको ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, ये राउटर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर चलेगा, तो यहाँ तो इसने नहीं लगाया कॉन्टेक्स्ट। यही वाला, अच्छा ये जो लिंक वाला है ना इसमें ये कह रहा है कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो इसके अंदर का होना चाहिए, मतलब इसके अंदर का मतलब ये है कि वो कह रहा है होम के अंदर आप ये करो, ठीक है। वो कह रहा है रूट, इसीलिए उसने एक रूट बनाया है, तो कह रहा है रूट के अंदर ये चलेगा उसके बाहर ये काम नहीं करेगा, तो हमें फिर अपनी हायरार्की भी थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। अब ट्यूटोरियल में नहीं बताया उसने, वो एज्यूम कर रहे हैं कि आप समझ गए, तो वो एज्यूम कर रहे हैं कि आप समझ गए वो बात जो वो बता रहे हैं बस।
अब इसमें करना ये होगा आपको कि ये जो होम लगाया हुआ है ना मैंने, यहाँ पे लगेगा ये ऐप, ऐप लगेगा यहाँ पे, ये ऐप लगेगा यहाँ पे, फिर ये सेट होगा। लगा के देख लेते हैं, यहाँ पे लगेगा ऐप और फिर इसके चिल्ड्रन के अंदर जो है ना वो बाकी सारे लग रहे होंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ज़रा इसको जस्ट ऐप यहाँ पे लगा के ना देखते हैं कि ये एरर ख़त्म होता है हमारा कि नहीं होता है। ये तो वो वाला एरर आ गया ना कि सेम फाइल में वो सेम अपने आप को इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, तो फिर उससे भी मसला हो जाता है। इसका मतलब है कि हमें ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन उठा के इंडेक्स डॉट जी एस में लेके जानी पड़ेगी। इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये कि यहाँ से ये होगा कट, और यहाँ से ये कट होके कहाँ जाएगा, इंडेक्स डॉट जी एस में जाएगा। अब ये थोड़ा सा लंबी कर रहा है ना, नहीं बस सही तो ये वाला है, नया है जो नया है भाई, पुराना 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 नहीं मानते हैं। यहाँ पे ऐप डॉट जी एस हटा के यहाँ पे ये लगा दिया हमने, लिंक इज़ नॉट डिफाइंड, लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा अच्छा वो इम्पोर्ट वहाँ से हट गया ना, सही है। अब वो लिंक टू वाला एरर तो ख़त्म हो गया मेरे पास, लिंक टू वाला एरर तो ख़त्म हो गया, वो लिंक मेरे पास चलने लग गया। लेकिन अब उस लिंक पे जाहिर है कोई कन्फिग्रेशन नहीं हुई भी, इसलिए वो उसको समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करना है। उस लिंक के ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई हुई अभी हमारी। हुई भी तो है हाउएवर, ओके, यहाँ पे होम नहीं मिल रहा असल में इसको, ये जो होम मैंने यहाँ पे, अच्छा नहीं होम मिल तो रहा है, फिर क्या मसला है, ओके। अच्छा यहाँ पे नहीं मिल रहा ना, वो वहाँ से तो हटा दिया था हमने, डबल डबल हो रहा है क्या, डबल डबल हो रहा है, नहीं नहीं वो वन सब हम जब बना लेंगे तो फिर हमें समझ आ जाएगा ये क्या है। वो और क्या था इसका, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन करके बनाया था उन्होंने, देख लेते हैं चिल्ड्रन कैसे बनाया था। यहाँ पर ऐसे बनाया था ना, चिल्ड्रन एक एरे था और उसमें भी वही सब कुछ हो रहा होगा जो यहाँ पे हो रहा था, सही है, चिल्ड्रन भी ऐसे एक एरे होगा। तो मैंने बोला भाई स्लैश है ना, उसके बाद स्लैश क्या है, स्लैश आपका कॉन्टैक्ट है, सही है, बल्कि स्लैश पहले तो होम आएगा हमारा, सही है, पहले तो स्लैश होम है, उसमें मैंने कहा भाई होम को डिस्प्ले करवा दूँ स्लैश होम के ऊपर, और फिर कॉमा डाल के हम बाकी दोनों को भी डिस्प्ले करवा देते हैं। मैंने कहा कि भाई अबाउट, अबाउट और उसके बाद गैलरी का गैलरी, बंद हो गया भाई, ये तो चलना ही बंद हो गया। क्या हो रहा है, हाँ बात तो चेंज हो रहा है लेकिन वो असल में यहाँ पे स्लैश शायद मुझे नहीं लगाना था, एक मिनट इनकी एग्जांपल ज़रा देख लेते हैं, कॉन्टैक्ट स्लैश दस दस दस, सही है ना, स्लैश कॉन्टैक्ट पे ये कॉन्टैक्ट दिखा रहा है, तो हमारे पास क्यों नहीं दिखा रहा, स्लैश गैलरी पे गैलरी दिखा देना चाहिए इसको,
मिनट, हमने नेस्टेड जब किया है तो नेस्टेड वाले पे हमें उसको रेंडर कैसे करवा रहे हैं वो तो हमने देखा ही नहीं है, अभी तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन देखी है हमने। अंदर आउटलेट भी तो बनाना होगा ना हमें, ये रन आउटलेट हमने नहीं बनाया, रूट के अंदर हमें एक आउटलेट बनाना होता है। अब जाहिर है ये रूट तो ये वाला खुल गया, अब इसका जो नेस्टेड राउट है वो डिस्प्ले कहाँ होगा वो तो हमने नहीं बताया, तो हमें वो आउटलेट करके ऐसे हमें उसको बताना होगा कि भाई ये वो जगह है जहाँ पे आपने इसको डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। और आउटलेट को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट भी कर लेना है। हाँ आप चलिए, ये मसला हो गया ना। होम अबाउट गैलरी, अच्छा होम इसलिए नहीं आ रहा कि होम के बटन पे मैंने स्लैश होम नहीं लगाया, वो स्लैश लगाया हुआ, तो उसको भी सही कर लेते हैं आगे। जो मेरा इंडेक्स डॉट जी एस है ना, इसमें मैं बोलता हूँ कि भाई स्लैश पे लिखे हुए, सही है। होम अबाउट गैलरी, होम अबाउट गैलरी, सही है, ऐसे गलती हो गई, सेट है, काफ़ी सही हो गया। मेरा जो रूट है वो ऐप है और उसके अंदर चिल्ड्रन में ये सारे तीनों होंगे, तो इस तरह से भी करके हम कर सकते हैं, जैसे भी हम इस तरह से भी चाहें तो हम कर सकते हैं। और जो पहले हमने किया था वो भी सही था, लेकिन पहले वाले तरीके में प्रॉब्लम क्या आ रही थी जिसकी वजह से मैं लिंक हमारा नहीं चल रहा था, क्योंकि लिंक कह रहा था कि मुझे ना राउटर के अंदर होना चाहिए, मुझे जो राउटर का कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर होना चाहिए, बाहर से आप बैठ के ही नहीं बता सकते कि कहाँ जाना है, ठीक है। तो लिंक और अच्छा लिंक के साथ आउटलेट उसने इसीलिए जिक्र किया हुआ था, जहाँ पर उसने लिंक का जिक्र किया था ना वहाँ पर आउटलेट इसीलिए बताया था उसने, नोट किया आपने, ये वो हमें थोड़ा घूम फिर के फिर समझ आया। अच्छा इधर भी मेंशन कर देता अगर ये, तो क्या बिगड़ जाता है इसका कि आउटलेट लगेगा। खैर है चलो कोई नहीं, तो हमने ये वाला तो काम कर लिया। अब हमारे पास ना एक अब आखिरी चीज़ रह गई, वो ये रह गया कि हमें जो है ना इसको कंडीशनल कैसे बनाएंगे, वो जिसको हम कहते हैं कि अपने राउट को सिक्योर कैसे करेंगे, हम अपने राउट को अब सिक्योर कैसे करेंगे, ये एक सवाल है। तो इसको सिक्योर करने के लिए ना थोड़ी सी हमें इसकी ऑर्गेनाइजेशन को और चेंज करना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि इंडेक्स डॉट जे एस में ना हम डेटा नहीं उतारते कोई, वो हम एटलीस्ट ऐप डॉट जे एस में उतारते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो हमें ऐप डॉट जे एस और इंडेक्स डॉट जे एस के बीच में कुछ बनाना पड़ेगा ऐसा, जहाँ पर हम ये कन्फिग्रेशन रखें जाते हैं, हमें कुछ ना कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा यहाँ पर। अब वो मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए क्या सेटिंग की जाए। अच्छा वेल थोड़ा सा ना आगे बढ़ते हैं इससे, ये तो हमने हेलो वर्ल्ड काइंड ऑफ एक चीज़ बनाई है कि भाई राउटिंग शुरू हो गई है हमारी, अब थोड़ा सा ना हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कौन सा राउटर हमें यूज़ करना चाहिए। एक तो इन्होंने ब्राउज़र राउटर से ये भी बना के दिखा दिया ना हमें, एक है हैश राउटर, एक है मेमरी राउटर और एक है प्रोवाइडर, तो कौन सा वाला राउटर हमें चूज़ करना चाहिए। कह रहे हैं व्हाइल योर ऐप विल यूज़ अ सिंगल राउटर, आपकी जो ऐप जो है वो तीनों में से एक ही यूज़ कर सकती है। सेवरल राउटर्स आर अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट योर ऐप इज़ रनिंग इन, कह रहे हैं कि डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे और कैसे आप चला रहे हैं अपनी ऐप को, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सेवरल आपके राउटर्स अवेलेबल हैं। दिस डॉक्यूमेंट शुड हेल्प यू फिगर इट आउट, कि अब इनमें से कौन सा आपके काम का है वो आपको पता चल जाए। कह रहे हैं कि यूजिंग 6.4 डेटा API, आई एम न्यू इन न्यू 6.4 न्यू राउटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड दैट सपोर्ट न्यू डेटा API। अच्छा तो कह रहा है क्रिएट ब्राउज़र राउटर, क्रिएट मेमोरी राउटर और क्रिएट हैश राउटर, ये इसमें इंट्रोड्यूस करवाए गए। द फॉलोइंग राउटर डू नॉट सपोर्ट द डेटा APIs, अच्छा ये वाले हैं पुराने वाले, नाम इनका भी वही है ब्राउज़र राउटर, अच्छा अभी नाम है इसको क्रिएट ब्राउज़र राउटर कर दिया, थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है इसका, ये वो वाला ब्राउज़र राउटर नहीं है जो हम V5 में किया करते थे। अब ये डेटा API क्या चीज़ है, वी रेकमेंड अपडेटिंग योर ऐप टू यूज़ वन ऑफ दोज न्यू राउटर्स इन 6.4। कह रहे हैं भाई अभी हम पुराने वाले की तो हम बात ही नहीं कर रहे, अब हम ये तीन नए वाले की बात कर रहे हैं कि इसमें से कौन सा चूज़ करना है, ठीक है। पुराने वाले की कह रहे हैं हम बात ही नहीं कर रहे। द डेटा APIs आर करंटली नॉट सपोर्टेड इन React Native, बट इट शुड बी इवेंचुअली, कह रहे हैं कि अगर आप React Native में इसको लगा रहे हैं तो वहाँ पर डेटा API, अब क्या है डेटा API वो देखते हैं। कह रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है React Native में, लेकिन इवेंचुअली वो हो जाएगी थोड़े दिनों में। The easiest way and quickly to update V6.4 is get help from
create routes from element. You don't need to convert your route element into the route objects. अच्छा कह रहे हैं कि वो अगर आपने एलिमेंट वाला तरीका किया हुआ है ना पहले, तो वो एलिमेंट वाले तरीके पे भी ये चल जाता है ये नया राउटर. तो मे भी हम वो वाला यूज़ करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि उसका मुझे एग्जैक्टली पता है कि उसको सिक्योर कैसे किया जाएगा. अगर इसका सिक्योर पता चल गया तो अच्छी बात है, वरना हम उस तरीके से उसको कर लेंगे. अच्छा तो ये कह रहे हैं कि भाई क्रिएट ब्राउज़र राउटर आपने अगर यूज़ किया तो आप क्या करते हैं, आप कुछ इस तरह से इसको कर रहे होते हैं. ठीक है, क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट्स ये करके ना आप अंदर वही वाली पुराने वाले तरीके से आप लिख देते हैं तो ये सेट हो जाता है, चल जाता है. ठीक है, अच्छा पुराने वाले तरीके में इसको सिक्योर करने का तरीका ये होता है, हम इसमें टर्नरी ऑपरेटर लगा देते हैं. टर्नरी ऑपरेटर लगा देते हैं कि अगर बंदा लॉग इन है तो ये राउट रखो इधर, अदरवाइज नल कर दो. वो राउट ही गायब हो जाता है डॉम से, वो राउट ही गायब हो जाता है आपके होम पेज का, तो आप उसको जाहिर है फिर विजिट ही नहीं कर सकते किसी भी हाल में. ठीक है, तो ये एक तरीका है इसका भाई. अच्छा अब कह रहे हैं कि वी रेकमेंड ऑल वेब प्रोजेक्ट यूज़ क्रिएट ब्राउज़र राउटर. कह रहे हैं ये एलिमेंट वाला जो है ना ये हम रेकमेंड नहीं कर रहे, ये है मौजूद, रेकमेंड हम कर रहे हैं जो अभी हमने करके देखा है वो वाला कह रहे हैं रेकमेंड होगा. अच्छा ठीक है भाई, इट यूज़ द फुल URL instead of hash URL. अच्छा hash URL इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम ना, hash URL बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. मिसाल के तौर पर ये शेयरेबल नहीं होता लिंक ये वाला, किसी को आप शेयर करते हैं ना तो वो उस तरह से काम नहीं करता, थोड़े थोड़े मसले हो जाते हैं. जो स्लैश वाला होता है ना, यानी फुल राउट जिसमें होता है, जैसे इन्होंने खुद भी जो राउटर लगाया हुआ है इसमें फुल URL आ रहा है, जब कोई इस URL को खोलेगा ना तो वो एग्जैक्टली इस पेज पर आएगा. ठीक है, हैश राउटर में ऐसा नहीं होता. हैश राउटर में वो क्या होता है, बंदा जाता है मेन पेज पर और मेन पेज पर ये डिसाइड होता है कि जो आगे हैश लिखा हुआ है उस पर वो डायरेक्ट राउट हो सकता है या नहीं हो सकता. तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, उसमें मसले होते हैं. ठीक है, आप बंदे उसका ख्याल नहीं रख पाते और वो कहीं और ही निकल जाते हैं. ठीक है, जहाँ पे इसने जिक्र भी किया है, इफ़ यू आर होस्टिंग योर ऐप ऑन अ स्टैटिक सर्वर यू विल नीड टू कॉन्फ़िगर टू सेंड ऑल रिक्वेस्ट टू योर index.html टू अवॉइड 404. ठीक है, वो कह रहे हैं कि सारी रिक्वेस्टें जो है ना आपको भेजनी होंगी किधर, index.html पे, यानी उसको सिंगल पेज ऐप के तौर पर कन्फिगर करना होगा. सही है, और इसने क्या बोला यहाँ पर, इट यूज़ द फुल URL instead of hash URL. कॉमन वेब एप्स बिफोर window.push स्टेट वॉज स्टैंडराइज्ड. फुल URL आर बेटर फॉर SEO के लिए भी बेटर है ये. बेटर फॉर सर्वर रेंडरिंग, अगर सर्वर से आप रेंडर करते हैं कोई चीज़ तो उसके लिए भी ये बेटर है. उसके लिए इसलिए बेटर है कि जब फुल URL आप किसी को शेयर करते हैं ना, और वो जब फुल URL एंटर करता है अपने ब्राउज़र में, तो वो फुल URL पे ही सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है. तो सर्वर को एग्जैक्टली पता होता है कि ये कौन से पेज पे खड़ा हुआ है बंदा, और वो कंपोनेंट वहाँ से भेज रहा होता है. अभी तो हम कंपोनेंट यहाँ पे बनाते हैं ना फ्रंट एंड पे, ये सर्वर से भी बन जाते हैं जो हम इस कोर्स में कवर नहीं कर रहे हैं फिलहाल. एंड सम एंड आर जस्ट मोर कंपैटिबल विद द रेस्ट ऑफ द वेब प्लेटफॉर्म. कह रहे हैं कि और भी जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आपको इंटरेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी वेब का पूरा एक पूरी एक इंडस्ट्री है, पूरा एक प्लेटफॉर्म है, पूरा एक इकोसिस्टम है. तो कह रहा है वो पूरे इकोसिस्टम के साथ ना ज़्यादा कॉम्पैटिबल है. लोगों को ये ज़्यादा समझ आता है जो स्लैश वाला है, ये हैश किसी को भी समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ है, इससे लोग फेमिलियर नहीं है, इतना स्टैंडर्ड नहीं है. क्योंकि वो इफ़ यू आर होस्टिंग ऑन अ वेब ऐप स्टैटिक, ये तो समझ आ गया कि 404 से बचने के लिए आपको ये करना है. ठीक है, अच्छा और इफ़ सम रीज़न यू कॉन्ट यूज़ फुल URL और क्रिएट हैश राउटर इज़ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग. कह रहे हैं अगर जस्ट इन केस फुल URL आप नहीं यूज़ कर पा रहे कोई भी आपका स्पेसिफिक यूज़ केस है, तो नेक्स्ट जो है ना आपका वो हैश राउटर है, यानी कि ये हैश वाला, ये नेक्स्ट आपकी चॉइस होनी चाहिए. इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेटा APIs यू कैन कंटिन्यू टू यूज़ ब्राउज़र राउटर. कह रहे हैं कि ना आपको अगर डेटा API से कोई लेना देना नहीं है, अब मुझे अभी ये तक ये नहीं समझ आया कि डेटा APIs क्या है, इनका कोई अपना फीचर है या ये जो हम वेदर ऐप जैसे कॉल करते थे वेदर की API या कोई थर्ड पार्टी कोविड वाला ट्रैकर की API, तो ये उसकी बात कर रहे हैं या इनका कोई अपना नया मंजर है. तो इफ़ यू कांट यूज़ फुल URL हैश राउटर, अब तो ये इसने पूरा हायरार्की बता दिया कि पहली चॉइस क्या होनी चाहिए, उसके बाद और सबसे आखिर में क्या होना चाहिए. अब ये डेटा API ज़रा हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है.
अच्छा डेटा एपीआई देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रिएट ब्राउजर राउटर जो अभी अभी हमने चला के देखा है ना उसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे शायद हमें वो मिल जाए बात कि भाई डेटा एपीआई क्या चीज़ है और क्या ये जिक्र कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा ये मेरे समझ आ गया, ये कैसे सिक्योर होगा, टर्नरी ऑपरेटर यहाँ लग जाएगा, ये मेरे समझ आ गया सिक्योर कैसे होगा। वेल अच्छा ये हायरार्की, ये सेम वही चीज़ इन्होंने किया है जो हम ऑलरेडी अभी बना कर देख चुके हैं। इसने कहा भाई ऐसे आप इसको रिक्वायर करो, ऐसे कन्फिग्रेशन करो, एक रूट होगा उसके चिल्ड्रन में आपके सारे के सारे जो भी आइटम होंगे ना वो उसके चिल्ड्रन के अंदर होंगे। सही है, तो ये बात हमें समझ आ गई कि भाई ये क्या चक्कर है इसका। लोडर अब इसके प्रॉप्स हैं अलग अलग कि जब तक वो स्क्रीन लोड नहीं होती ना वो लोडर चलाएगा, वो लोडर को यहाँ पे रन कर रहा होगा। ठीक है, लोडर भी एक कंपोनेंट है एक्चुअली, जो यहाँ पे से दो कंपोनेंट इसने इम्पोर्ट किए हुए हैं एक ही फाइल में से, तो वो दो कंपोनेंट है, एक उसका लोडर है और एक वो कंपोनेंट इटसेल्फ है। वो जब तक कंपोनेंट लोड नहीं हो जाता वो लोडर को रन करेगा किसी भी वजह से, अगर वेट करना पड़ रहा है उसको या कुछ ऐसा सीन है। हाँ ये खुद से करेगा, हाँ जो हम पहले लगाते थे ना टर्नरी ऑपरेटर करके कि इफ़ लोडिंग तो ये डिस्प्ले करा दो और लोडिंग फॉल्स हो जाए तो फिर उसको ये डिस्प्ले करा दो, वो इसमें ऑटोमेटिक कर दिया। अभी मैं जैसे मैंने जो राउटिंग की थी शुरू में यूज स्टेट से, उसमें ये सारा कुछ अगर मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकता था, ये सब कुछ कर सकता हूँ उसमें मैं, लेकिन कोडिंग एक तो मुझे ज़्यादा लिखनी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा। ये लाइब्रेरी है, हज़ारों लोग यूज़ कर रहे हैं, टेस्टेड है ये। अब मेरे मैं अपना लिखूँगा ना कोड, अब वो किसी पॉइंट पर वो मसला कर जाएगा, तो मुझे उसको बहुत ज़्यादा टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बावजूद वो मसला करेगा। इसमें वो चांसेस कम है क्योंकि हज़ारों लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, हज़ारों तरह के अलग अलग सिनेरियोज़ में ये चल चुका है, जो जो मसले थे वो रिपोर्ट हो चुके हैं और उसका सॉल्यूशन भी इन्होंने कर दिया होगा मोस्ट ऑफ। ठीक है, पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ इस लाइब्रेरी को सही चल रही है बिल्कुल, तो पिछले 3-4 साल से हज़ारों लोग इसको टेस्ट कर चुके हैं। तो लाइब्रेरी यूज़ करने का ना ये बेनिफिट होता है कि हमें एक तो अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, ये सब किया हुआ है इन्होंने पहले से, ये कन्फिग्रेशन इनकी फिक्स है। तो अच्छा जी, तो डेटा एपीआई का इसने क्या जिक्र किया था वो अभी तक पता नहीं चला। टाइप डिक्लेरेशन राउट्स खत्म बस। बस ये खत्म हो गया यहाँ पे इसका डेटा है। अब वो जो डेटा एपीआई कर रहा था वो क्या था, वो तो इधर आया ही नहीं, किसी को समझ आ रहा है वो डेटा एपीआई किस चीज़ का जिक्र कर रहा था ये? इट इनेबल्स 6.4 डेटा एपीआई लाइक, अच्छा अच्छा लोडर एक्शन फैचर, हाँ ये देख लेते हैं। अच्छा लोडर ये चीज़ है ना, ये चीज़ है लोडर, अच्छा 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 सही है, लोडर को ज़रा देख लेते हैं अलग से क्या है, ताकि हमें पता चल जाए ना हमें इससे लेना देना है कि नहीं है। अच्छा ईच राउट कैन डिफाइन अ लोडर फंक्शन टू प्रोवाइड डेटा टू राउट एलिमेंट्स बिफोर इट रेंडर्स। अच्छा यानी एपीआई जो जो डेटा उस पर आना है वो पहले कॉल होगा और वो डेटा आ जाएगा, उसके बाद वो रेंडर होगा जब तक वो लोडर घुमाता रहेगा। लेकिन मेरा ख्याल है ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, हमें इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हम तो पेज लोड करवाते हैं, जैसे चैट स्क्रीन है अगर हमारी, हम चैट ऐप बना रहे हैं और चैट की स्क्रीन है, तो हम मैसेज की जगह पे क्या दिखा रहे होते हैं जब तक मैसेज लोड नहीं होता, वो लोडिंग लिखते हैं और 3 डॉट लगा के दिखा देते हैं। हाँ यार वैसे है तो सही, ज़रूरत तो है हमें इसकी। नहीं लोडर एक फंक्शन है, कंपोनेंट नहीं है ये, देखो ना इसने बता दिया यहाँ पे कि ये फंक्शन है लोडर। ये क्या कर रहा है, कोई डेटाबेस से कोई डेटा ला रहा है या कोई एपीआई से वेदर ऐप की कोई एपीआई कॉल कर रहा है,
और वो जब ये रिटर्न करता है ना, जब ये रिटर्न करता है वो, तो उस कंपोनेंट को ये डेटा मिल जाता है। वो डेटा मिलता कैसे? पैराम्स में मिलता है। इससे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी काफ़ी, मेरा ख्याल है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी हमारी, क्योंकि फिर हमें अपने कंपोनेंट्स को इस लाइब्रेरी के हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा, जो कि शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा या थोड़ा सा मुनासिब नहीं रहेगा, कि हम अपने कंपोनेंट के अंदर जो डेटा अभी लाते हैं वो हम यूज़ इफेक्ट से लाते हैं, फिर हमें इसके ज़रिए लाना पड़ेगा कि यार ये मतलब जो लाइब्रेरी है ये, इसके अकॉर्डिंग हमें अपने कंपोनेंट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इससे अभी हम थोड़ा ना वो ही रहते हैं। अच्छा भाई, एक्शंस क्या चीज़ है, एक्शंस को भी देख लेते हैं। राउट एक्शंस आर द राइटर्स टू द राउट लोडर रीड, दे प्रोवाइड द वे टू परफॉर्म द डेटा म्यूटेशन विद सिंपल HTML HTTP। अच्छा, ये एक्शन है। अच्छा, जिस तरीके से वो डेटा ला रहा है, लेकर आ रहा है, उसी तरीके से ये डेटा वापस सर्वर पे भेजने के लिए अलग से फंक्शन है। तो मेरा ख्याल है ये भी थोड़ा सा डेंजर किया है। दिस फीचर ओनली वर्क्स विद डेटा राउटर लाइक क्रिएट ब्राउजर राउटर। सही। अच्छा, तीसरे वाले को भी देख लेते हैं। तीसरा वाला क्या है? फैचर्स इन HTTP डेटा मैनिपुलेशन, डेटा म्यूटेशन आर लोड्स आर मॉडल्ड विद नेविगेशन एंकर टैग एंड फॉर्म एक्शन बोथ कॉज अ नेविगेशन इन ब्राउजर। React router equivalents are link and form. अच्छा, अच्छा ये काफ़ी एडवांस किस्म की चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस की और काफ़ी बोल्ड इनके एक्शंस हैं। आई वुड से कि ये जो इन्होंने चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं ना, इसमें ये काफ़ी बोल्ड किस्म की हैं। तो मेरा ख्याल है अभी हम इससे बचते हैं थोड़ा, क्योंकि इस इन चीज़ों को यूज़ करने की वजह से ना, जो मेरी कोर ऐप है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट, वो दोनों ख़त्म हो जाएंगे हमारे, और उसकी जगह पर ये आ जाएगा। जो डेटा आना भी इसी से होगा, फिर जाना भी इसी से होगा। मतलब जैसे हम कोई, जैसे फेसबुक की पोस्ट हमने वाली ऐप बनाई थी, अब उसमें हम एडिट का बटन दबाएंगे ना, तो उसमें एडिट का एक राउट खुलेगा, और उस राउट के ऊपर एडिट करके मैं सबमिट करूँगा, तो वो एक्शन के ज़रिए वो दोबारा सर्वर पे वापस चला जाएगा रिक्वेस्ट ना। तो हमारा यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट, जो काफ़ी अरसे से लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, और वो रिएक्ट का नेटिव है, ये लाइब्रेरी रिएक्ट वालों की अपनी नहीं है, ये थर्ड पार्टी है। तो वो नेटिव वाले को छोड़ के ना, हम बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की तरफ चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि हम क्रिएट ब्राउज़र राउटर को छोड़ के हम ब्राउज़र राउटर की तरफ आ जाते हैं, जिसमें डेटा API वगैरह से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अच्छा हम एक काम कर लेते हैं कि इसके लिए फिर एक अलग छोटी सी ऐप बना लें, मतलब इसी ऐप की एक कॉपी बना लेते हैं, ताकि जो हम बना चुके हैं ये भी प्रिजर्व हो जाए, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन वाला है ना, हम इससे मूव होकर फिर वो दूसरे वाले पे आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एक कॉपी बना देता हूँ। इसकी एक कॉपी बना ली मैंने। वो ऊपर वाला जो है ना, ये क्रिएट ब्राउजर राउटर, ये डेटा API को सपोर्ट करता है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, जो बिल्कुल न्यू है। और ये जो है, ये भी V6 है इसका ब्राउजर राउटर, लेकिन अभी हम ये देखेंगे, ये निस्बतन काफ़ी आसान है और ये सिंपल है। सिंपल इस सेंस में है कि मैं अपने पूरे ऐप की किसी भी पार्ट को अगर बनाना चाहता हूँ उसको स्वैपेबल, तो मैं ईजिली बना सकता हूँ। लेकिन जो नया वाला है ना, इसमें मुझे अपने ऐप की हायरार्की को चेंज करना पड़ रहा है। आपने अगर नोटिस किया हो तो मुझे अपने ऐप की हायरार्की पूरी चेंज करनी पड़ गई है इसके चक्कर में ना, तो ये आई थिंक थोड़ा मुनासिब नहीं है। इसीलिए मैंने इसकी एक कॉपी बना ली है, ताकि जो मैं कोड कर चुका हूँ ये भी प्रिजर्व हो जाए, और हम एक नया अब अपने पास ना कोड लिख लें, जो हम नॉर्मल वाले ब्राउज़र पर लिखें, ब्राउज़र राउटर जो।
सही है, मैंने ना एक नया फोल्डर बना लिया, ये वाली गई स्क्रीन पास। अच्छा मैं ज़रा टर्मिनल से इस वाले को रोक देता हूँ, जो ऐप मेरी चल रही थी अभी उस वाले को मैंने क्या कर दिया, रोक दिया, और मैं सीडी करके बैक आ जाता हूँ एक। और अब मैं किस में जा रहा हूँ, ये जो 14 नंबर है ना मेरा फोल्डर, जिसमें अब मैं ब्राउज़र राउटर के ज़रिए बनाने लगा हूँ, जिसके साथ मैंने रेकमेंडेड का भी एक लगा दिया उसके नाम के साथ, मैंने कहा सीडी 14 और ये रेकमेंडेड वाले में चला गया, मैंने npm start एंटर। ठीक है, अब हम इसके अंदर कौन सा वाला करने लगे हैं, जो डेटा API वगैरह से पाक सिंपल जो ब्राउज़र राउटर है, और लेटेस्ट वाला v6, ये भी लेटेस्ट है, ये पुराना नहीं है, राइट। अच्छा तो इस वाले के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे ब्राउज़र राउटर को पहले तो मैं यहाँ वापस आऊँ ना इस ऐप के अंदर, जो जो चीज़ें मैंने की थी ना app.jsx में, ये सब मैं ख़त्म कर रहा हूँ, जो जो मैंने यहाँ पे काम किया था ना index.js में, ये सब का सब मैं क्या कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, राइट। ठीक है, तो ये मैं index.js की जो फाइल थी उसको मैं अपनी असली हालत में ला चुका हूँ, सही है, सब लोगों को नज़र आ रहा है, ये index.js की फाइल थी, इसको मैं किस में ला चुका हूँ, इसकी बिल्कुल ओरिजिनल असली हालत में ला चुका हूँ, जिसमें ये पहले था, सही है, क्लियर है सब लोगों को। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ब्राउज़र